हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया का देखा था और हिमालय को पढ़ा था. ओके, अब आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे नॉर्दर्न प्लेन, है ना. हमने वहाँ पे कुछ टॉपिक्स देखे थे, जैसे कि हिमालय रीजन, नॉर्दर्न प्लेन्स और पेनिनसुलर प्लेट्यू, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स और इन द आइलैंड्स, है ना. तभी हम हिमालयन माउंटेन पढ़ चुके हैं और अभी इस वीडियो में हम आज पढ़ेंगे नॉर्दर्न प्लेन्स और पेनिनसुलर प्लेट्यू. मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी. और नॉर्दर्न प्लेन्स के साथ हम इंडियन डेजर्ट और कोस्टल द आइलैंड को पढ़ेंगे और कोस्टल प्लेन्स और पेनिनसुलर प्लेट्यू में आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. द नॉर्दर्न प्लेन्स हैज बीन फॉर्मड बाय द इंटरप्ले ऑफ द थ्री मेजर रिवर सिस्टम, नेमली द इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र अलोंग विथ देयर ट्रिब्यूटरीज. जो ये नॉर्दर्न प्लेन्स जो बने हैं, या इसमें तीन नदी जो तीन सिस्टम रिवर सिस्टम काम करते हैं, वो तीनों नदियां हैं, इंडस, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र. और इसके साथ साथ ट्रिब्यूटरीज मतलब होता है इनसे निकलने वाली जो और नदियां हैं, कि जो सहायक नदियां जिन्हें हम बोल सकते हैं, तो ट्रिब्यूटरीज इनसे ये बना हुआ है. ओके, दिस प्लेन इज़ फॉर्म्ड ऑफ एल्यूवियल सॉइल. ये यहाँ पर एल्यूवियल सॉइल पाई जाती है. द डिपोजिशन ऑफ एल्यूवियल इन अ वास्ट बेसिन लाइंग एट द फुटहिल्स ऑफ द हिमालयाज ओवर मिलियंस ऑफ द ईयर. और जो ये एल्यूवियल सॉइल है, ये यहाँ पर पाई जा रही है और लाखों मिलियन ईयर्स जो हुए हैं वहाँ से. जो मैंने आपको भी पहले के वीडियो में बताया था कि जो हिमालय से जो रिवर्स हैं, जो वो बहकर नॉर्थ में आ रहे हैं, वो अपने साथ कई सारे इम्पॉर्टेंट जो निक्षेप होते हैं या जो मिट्टी होती है उसको बहा करके लेकर आ रहे हैं, जिसे हम एल्यूवियम बोलते हैं. वो एल्यूवियम इसमें पाया जाता है और ये एल्यूवियल सॉइल उससे ये जमता जाता है. ये इनके फुट हिल्स में मतलब इनके नीचे की तरफ जमता जा रहा है और इसी के जमने से, इस एल्यूवियम के जमने से ही इस नॉर्दर्न प्लेन का निर्माण हुआ है. इट स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर. ये लगभग 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है. द प्लेन बीइंग अबाउट 24 किलोमीटर लॉन्ग एंड 24 to 320 किलोमीटर ब्रॉड. ये जो प्लेन्स हैं लगभग 2400 किलोमीटर लॉन्ग है, लंबे हैं और 240 to 320 किलोमीटर चौड़े हैं. इट इज़ डेंसली पॉपुलेटेड फिजियोग्राफिक डिवीज़न. यहाँ पर बहुत घनी आबादी है, जनसंख्या पाई जाती है, लोग रहते हैं यहाँ पर. विथ अ रिच सॉइल कवर कम्बाइंड विथ adequate water supply and favorable climate, it is agriculturally a very productive part of India. देखिए, ये जो भाग है या जो नदियाँ जो अपने साथ ये बहा कर लेकर आ रही हैं, इसी के साथ साथ यहाँ जनसंख्या बहुत रहती है. उसका रहने का कारण है कि यहाँ जो मौसम है वो काफ़ी फेवरेबल है. वेदर कंडीशन जो है वो काफ़ी फेवरेबल है. उपयुक्त तो जलवायु जो कृषि के लिए, खेती के लिए, जो हमें जिस तरह की जलवायु की ज़रूरत होती है, उस तरह की यहाँ पर जलवायु पाई जाती है. और यही कारण है कि जो जो नॉर्दर्न प्लेन्स है यहाँ की जो फर्टिलिटी है या जो यहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है वो बहुत अधिक है. ओके, द रिवर कमिंग फ्रॉम नॉर्दर्न माउंटेन्स आर इन्वॉल्व इन डिपोजिशनल वर्क. जो मैंने बताया आपको कि जो माउंटेन्स से, जो हिमालय से जो रिवर बह करके आ रही हैं, वो यहाँ पे ये उत्तर में जो आती हैं, वही ये डिपोजिशन का काम यहाँ पर करती हैं. और ये धीरे धीरे क्या होता है, निचले भाग में ये इनकी जमती चली जाती. कैसे? इन द लोअर कोर्स ड्यू टू जेंटल स्लोप द वेलोसिटी ऑफ द रिवर डिक्रीज विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ रिवर राइन आइलैंड. अब क्या होता है कि जब ये जेंटल स्लोप्स जो हैं, जो वहाँ पर स्लोप्स पाए जा रहे हैं या जो उनकी ढाल कम होती जाती है, तो जो नदियों की जो वेलोसिटी है, जिस स्पीड से वो आ रही होती हैं, वो धीरे धीरे कम होने लगती है. और कम होने के कारण यहाँ पर क्या है कि जो रिवराइन आइलैंड्स हैं उनका निर्माण हो जाता है, वो यहाँ पर बन जाते हैं. ओके,
द रिवर इन देयर लोअर कोर्स स्प्लिट इंटू न्यूमरस चैनल्स ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सिल्ट दीज चैनल्स आर नोन एज डिस्ट्रीब्यूटरीज। अब देखिए नदियों का जो निर्माण है ये अपने निचले भाग में क्या होता है कि जो सिल्ट है उसके कारण जो इसको सिल्ट को हम क्या बोलेंगे, एक तो मिट्टी गाढ़ा जो मिट्टी होती है जो पानी में जो नीचे बैठ जाती है उसको हम गाद या सिल्ट बोलते हैं। वो सिल्ट के एकत्रित होकर यहाँ पर जमने लग जाती है। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे ये जो नदियाँ हैं अपने जो निचला भाग है जो लोअर पार्ट है वहाँ पर सिल्ट एकत्र होने के कारण कई सारी धाराओं में और ट्रिब्यूटरीज में बट जाती हैं और इनको हम डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं। कई सारे दीज चैनल्स जो ये चैनल्स है कई सारे चैनल्स में बट जाती हैं और इनको हम डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं। द नॉर्दर्न प्लेन इज़ ब्रॉडली डिवाइडेड इंटू थ्री सेक्शंस। अगर हम नॉर्थ प्लेन की बात करें तो हम इसको तीन भागों में बांट सकते हैं। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स इज रिफर्ड टू एज द पंजाब प्लेन्स। जो इसका वेस्टर्न जो पश्चिमी भाग है नॉर्दर्न प्लेन का जो वेस्टर्न पार्ट जो है उसको हम पंजाब प्लेन्स के नाम से जानते हैं। फॉर्म्ड बाय द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। ये इंडस रिवर और उसकी जो सहायक नदियाँ जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनसे बना हुआ है। द लार्जर पार्ट ऑफ द दिस प्लेन लाइज इन पाकिस्तान। और इसका जो अधिकांश भाग जो है वो पाकिस्तान में है। द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज द झेलम द चिनाब द रावी द बियास एंड द सतलज ओरिजिनेट इन द हिमालय। दिस सेक्शन ऑफ द प्लेन इज डोमिनेटेड बाय द दोआब्स। सो ये जो प्लेन है ये एक लार्ज पार्ट जो इस प्लेन का है वो पाकिस्तान में है और इस यहाँ पर जो नदियाँ हैं वो हैं इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं इंडस की वो कौन कौन सी हैं, झेलम चिनाब रावी ब्यास एंड सतलज जो कि हिमालय से ही उत्पत्ति हुई है जिनकी ओरिजिनेट है। दिस सेक्शन ऑफ द प्लेन्स इज डोमिनेट बाय दोआब। और इस भाग को इन सबको हम क्या कहते हैं, दोआब। क्या कह रहे हैं हम, दोआब। दोआब मीन्स दो नदियों के बीच का जो भाग होता है। देखिए आप डू यू नो द, आप इस बॉक्स में देखेंगे दोआब इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स। दो वर्ड से मिलकर बना है। दो मीनिंग मीन्स टू एंड आब मीन्स वाटर। सिमिलरली पंजाब इज ऑल्सो मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, पंज मीनिंग फाइव एंड आब मीन्स वाटर। ओके, तो उत्तरी मैदान में जो इसको तीन भागों में हमने बांटा है और फिर इसकी जो सहायक नदियां हैं झेलम चेनाब रावी ब्यास सतलुज निकलती हैं और यहाँ पे दो आप्स की संख्या जो है वो जो डोमिनेटेड है, जो दो आप्स मतलब दो नदियों के बीच का भाग यहाँ पर ज़्यादा है। ठीक है, गंगा के जो मैदान है, द गंगा प्लेन्स एक्सटेंड बिटवीन घग्गर एंड तिस्ता रिवर। घग्गर एंड तिस्ता रिवर जो गंगा के जो प्लेन है वो मोटे तौर पर अगर हम देख रहे हैं तो घग्गर और तिस्ता नदी के बीच के हैं और इट इज़ सेपरेटेड ओवर द स्टेट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, पार्सली झारखंड एंड वेस्ट बंगाल टू इट्स ईस्ट। इसके उत्तरी भाग में हम देखें तो कुछ स्टेट्स हैं लाइक हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड का भी कुछ भाग आता है इसमें और पंजाब में भी फैला, सॉरी बंगाल, पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है और ईस्ट पार्टी पर्टिकुलरली इन आसाम लाइक द ब्रह्मपुत्र प्लेन। और जो ईस्ट वाला जो पार्ट है इसका जो पूर्व वाला भाग है वो ब्रह्मपुत्र के प्लेन्स यहाँ पर है। ब्रह्मपुत्र का मैदान यहाँ पर है जो कि आसाम में है। द नॉर्दर्न प्लेन्स आर जनरली डिस्क्राइब्ड एज फ्लैट लैंड विच नो वेरिएशंस इन इट्स रिलीफ्स। इट इज़ नॉट ट्रू। अगर हम उत्तरी नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करते हैं तो यहाँ पर जो प्लेन्स हैं यहाँ पर इनको हम कहते हैं कि ये लैंड जो है वो एक जैसी है, फ्लैट लैंड है विद नो वेरिएशंस इन इट्स रिलीफ्स। इट इज़ नॉट ट्रू, ये सही नहीं है। दीज वास्ट प्लेन्स आल्सो हैव डाइवर्स रिलीफ्स फीचर। यहाँ भी कुछ ऊंची नीची या जो हम बोले जो फीचर्स हैं वो कई तरह के हैं
जैसे उत्तरी भाग, उसके आधार पर, इन फीचर्स के आधार पर, वेरिएशंस के आधार पर, हम नॉर्दर्न प्लेन को कैन बी डिवाइड इनटू फोर रीजन्स, चार पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. द रिवर्स आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन्स डिपॉजिट पेबल्स इन अ नैरो बेल्ट ऑफ अबाउट 8 to 16 किलोमीटर इन विथ लाइंग पैरेलल टू द स्लोप्स ऑफ द शिवालिक्स. इट इज़ नोन एज भाबर. अब ये भाबर क्या है, आप यहाँ पर देखेंगे जो इनकी आकृतियाँ हैं या जो फिगर्स हैं यहाँ पर जो बन रहे हैं, उनके आधार पर इसको हमने चार भागों में बांट दिया है. डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन डिपॉजिट पेबल्स, आकृतियों के आधार पर हम उत्तर के भारत के मैदान को हम चार भागों में बांट रहे हैं. नदियाँ जब जो रिवर्स हैं, जो माउंटेन से जब नीचे उतर, शिवालिक के नीचे उतरते समय जो शिवालिक रेंज है उसकी ढाल पर 18 to 16 किलोमीटर चौड़ी एक पट्टी बना लेती हैं, जहाँ पर डिपॉजिट है ना, डिपॉजिट की एक पट्टी बना ले रही हैं. इसे हम भाबर के नाम से जानते हैं. क्या कह रहे हैं हम इसे, भाबर. विथ लाइंग पैरेलल 18 to एक बेल्ट है, एक नैरो बेल्ट है. डिसेंडिंग जब उतर रही हैं नदियाँ तो वो पेबल्स का एक नैरो बेल्ट है जो 18 to 16 किलोमीटर चौड़ा है, और इसलिए पर शिवालिक वाले रीजन में ये बनती हैं. इसे हम भाबर कह रहे हैं. ठीक है, क्या कह रहे हैं, भाबर. ऑल द स्ट्रीम्स डिसअपीयर इन दिस भाबर बेल्ट. और जितनी भी स्ट्रीम्स हैं, ये छोटी छोटी जो नदियों की जो नदियाँ बहकर आती हैं, वो इस पर्टिकुलर बेल्ट, भाबर बेल्ट में ख़त्म हो जाती हैं, और भाबर बेल्ट में इनको ख़त्म हो जाती हैं. साउथ ऑफ दिस बेल्ट, इसके दक्षिण में इस बेल्ट के, द स्ट्रीम्स एंड रिवर्स री इमर्ज एंड क्रिएट अ वेट. और ये फिर से जब इसके दक्षिणी भाग में आ जाती है, सदर्न पार्ट में आती हैं, तो ये फिर से निकलने लग जाती हैं. और यहाँ पर एक ये वेट, मतलब वेट मीन्स गीला या दलदली या थिक या स्वम्पी एंड मार्सी रीजन यहाँ पर बन जाता है. दलदली या नम, जहाँ पर नमी ज़्यादा रहती है, दलदल टाइप का रहता है, और इसे हम कहते हैं तराई. दिस वॉज अ थिकली फॉरेस्टेड रीजन फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ. ये बहुत ही घना फॉरेस्ट रीजन है और यहाँ पर वाइल्ड लाइफ, भरपूर वाइल्ड लाइफ यहाँ पर पाई जाती है. द फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर टू क्रिएट एग्रीकल्चरल लैंड एंड टू सेटल माइग्रेंट फ्रॉम पाकिस्तान आफ्टर पार्टीशन. यहाँ पर जो फॉरेस्ट थे उनको काट दिया गया है, क्लियर कर दिया गया है, और उसे एग्रीकल्चर लैंड में बदल दिया गया है, क्योंकि जो पार्टी, जो पाकिस्तान से पार्टीशन के समय जो पाकिस्तान से जो माइग्रेंट आए थे, उनको यहाँ पर बसा दिया गया है, और उनके कृषि माइग्रेंट भी समझे, शरणार्थी भी कह सकते हैं, और उनको खेती की ज़मीन उपलब्ध कराने के लिए इन जंगलों को काट दिया गया है. द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स इज फॉर्म्ड ऑफ ओल्डर एल्यूवियम. जो नॉर्दर्न प्लेन्स का जो बड़ा भाग है वो पुरानी एल्यूवियम से बना हुआ है या जलोढ़ से बना हुआ है, और जो मिट्टी ये बना हुआ है, और ये दे लाई अबव द फ्लड प्लेन्स, प्लेन्स ऑफ द रिवर एंड प्रेजेंट अ टेरेस लाइक फीचर्स. दिस पार्ट इज नोन एज भांगर. ये नदियों के बाढ़ वाले मैदान का स्थित क्षेत्र है, और इसको हम भागर के नाम से जाना कहते हैं. और यहाँ पर जो पुराना एलिवियम है और ज़्यादा फर्टाइल है, वो यहाँ पर पाया जाता है. द सॉयल इन द रीजन कंटेन्स कैलकेरियस डिपॉजिट लोकली नोन एज कंकर. यहाँ पर जो चूने के पत्थर जैसे कुछ डिपॉजिट्स पाए जाते हैं, और लोकल में हम इसे कहते हैं कंकर. द नेवर यंगर डिपॉजिट ऑफ फ्लड प्लेन्स आर कॉल्ड खादर. और जो न्यूअर यंगर डिपॉजिट ऑफ द फ्लड प्लेन्स आर कॉल्ड खादर. अब हम बात करें यहाँ पे तो बाढ़ वाले जो मैदान हैं और जो नए नए यहाँ पे डिपॉजिट होते हैं, उसे हम कहते हैं खादर. और दे आर रिन्यूड ऑलमोस्ट एवरी ईयर. और लगभग ये हर साल ये जो खादर हैं ये हर साल बन जाते हैं. एंड सो आर फर्टाइल द आइडियल ऑफ इंटेंसिव एग्रीकल्चर. और ये और भी ज़्यादा फर्टाइल और उपजाऊ होते हैं, और ये खेती के लिए बहुत ही आइडियल माने जाते हैं. ओके, तो अब हमने पढ़ लिया है नॉर्दर्न प्लेन. अब नॉर्दर्न प्लेन के बाद में आपको पेनिनसुलर प्लेट्यू बाद में पढ़ाऊँगी.
इसमें हम एक चीज़ और पढ़ेंगे, इंडियन डेजर्ट। आज हम पढ़ेंगे सिर्फ अभी इस वीडियो में इंडियन डेजर्ट। ओके, सो द इंडियन डेजर्ट लाइज टूवर्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द अरावली हिल्स। इट इज़ एन अनड्यूलेटिंग सैंडी प्लेन्स कवर्ड विथ सैंड ड्यून्स। जो ये अरावली माउंटेन है उसके जो वेस्टर्न किनारे हैं वहाँ पर थार डेजर्ट है और ये बालू या जो सैंड ड्यून्स टीलों मतलब सैंड ड्यून्स मतलब बालू के टीलों की तरह ये दिखाई देता है। और दिस रीज़न रिसीव वेरी लो रेनफॉल, यहाँ पे जो बारिश है वो बहुत कम होती है, 150 मिलीमीटर्स पर ईयर, लगभग एक 150 मिलीमीटर पर ईयर के आसपास। इट हैज़ अ राइट क्लाइमेट विथ लो वेजिटेशन कवर। यहाँ पे जो जो वेजिटेशन या जो वनस्पति पाई जाती है वो बहुत ही कम होती है और ऐसी वेजिटेशन होती है जिसको पानी की ज़रूरत, जिसको ग्रो करने के लिए पानी की ज़रूरत कम पड़ती है। इट हैज़ स्ट्रीम्स अपीयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन, सून आफ्टर दे डिसअपीयर इनटू द सैंड एज दे डू नॉट हैव इनफ वाटर टू रीच द सी। यहाँ पर जो नदियाँ हैं वो हमें रेनी सीजन में ही दिखाई देती है और रेनी सीजन के बाद वो जल पूरा और ज़्यादा पानी ना मिलने से वो समुद्र तक नहीं पहुंच पाती और पहले ही ख़त्म हो जाती है। लूनी इज़ द ओनली लार्जर रिवर इन दिस रीजन, केवल एक लूनी रिवर है जो इस पूरे रीजन की सबसे बड़ी नदी है। अभी मैं आपको अरावली रीजन दिखाऊंगी मैप में, उससे पहले पहले हम ये डिटेल पढ़ लेते हैं। बार्चेंस क्रिसेंट शेप्ड ड्यून्स कवर लार्जर एरिया बट लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स बिकम मोर प्रोमिनेंट नियर द इंडो पाकिस्तान बाउंड्री। इफ़ यू विजिट जैसलमेर यू गो टू सी अ ग्रुप ऑफ ब्रांचेस बार्चेंस। ये बार्चेंस क्या है? बार्चेंस एक सेमी क्रिसेंट शेप्ड ड्यून्स है, क्रिसेंट मतलब अर्धचंद्राकार है ना, क्रीसेंट मून जैसा आपने देखा होगा। तो क्रीसेंट शेप्ड टीले हैं, क्रीसेंट शेप्ड बालू के टीले हैं जो वहाँ पर पाए जाते हैं। और अगर हम इंडो पाक की तरफ सीमा की तरफ बढ़ते हैं तो ये थोड़े से लॉन्गिट्यूड हमको दिखाई देते हैं और अगर हम जैसलमेर की तरफ जाते हैं तो ये हमें बार्कांस दिखाई देते हैं जो कैसे होते हैं शेप में क्रीसेंट अर्धचंद्राकार मिट्टी सॉरी बालू के टीले होते हैं। तो अभी हम ये हमने पढ़ लिया इंडियन डेजर्ट। अब इंडियन डेजर्ट है कहाँ इसे हम थोड़ा सा मैप में देखने की कोशिश करते हैं। देखिए ये है इंडियन डेजर्ट है ना। हमने यहाँ पर पढ़ा था कि अरावली हिल्स जो है और उसके जो वेस्टर्न किनारे हैं, जो पश्चिमी किनारे हैं, वहाँ ये स्थित है। ये है अरावली हिल्स और इसके जो वेस्टर्न रीजन में, ये है इसका वेस्टर्न रीजन। जब यहाँ हम जाते हैं तो यहाँ पे हमें थार डेजर्ट मिलता है। ओके, तो अब हमने पढ़ लिया यहाँ पर थार डेजर्ट। ओके, अब नेक्स्ट स्लाइड में हम बाकी का बचा हुआ चैप्टर फिनिश करेंगे। टिल देन बाय, टेक केयर।